दोस्तों यदि आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय स्क्वाड का अनाउंसमेंट होने के बाद रातों रात भारतीय टीम में ऐसे खूंखार ऑलराउंडर की एंट्री हुई है जिसका नाम ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस खिलाड़ी के भारतीय टीम से जुड़ने से अब भारत दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन गई है, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी टीम की धज्जियां उड़ाकर रख सकता है। तो आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिसके भारतीय स्क्वाड में जुड़ने से ऑस्ट्रेलियाई टीम दहशत में आ गई है, जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में किसे भारतीय स्क्वाड में चुना जाना चाहिए था, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ साथ साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 सितंबर से शुरू होने वाले टी20 श्रृंखला पर बनी हुई है, क्योंकि इस बार टी20 कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है और ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले मेजबान टीम से खेलना भारतीय टीम की तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण भारतीय टीम भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। जहां एक और भारतीय टीम में दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाज दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाज यूनिट बन गई है, तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए आईपीएल में अपने गेंदबाजी से कहर बरपाने वाले गेंदबाज हर्षल पटेल को भी टीम में वापसी कराई गई है। इन दोनों की वापसी से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम चिंता में आ गई है। लेकिन अब भारतीय टीम में रातों रात एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री कराई गई है जिसका नाम सुनकर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर हैं, जिन्हें रातों रात टीम में शामिल कर लिया गया है और उन्होंने मोहाली पहुंचकर भारतीय टीम के साथ प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज महाराष्ट्र की टीम से खेलते हैं। उन्होंने अपनी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से हर किसी को हैरान किया हुआ है। इसी कारण से उन्हें 2022 आईपीएल में मुंबई इंडियंस में खेलने का मौका दिया गया है। अब ये शानदार ऑलराउंडर भारतीय टीम में नेट बॉलर के तौर पर जुड़ गया है। उन्होंने मैदान में उतरते ही भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी की प्रैक्टिस करवानी भी शुरू कर दी है। अर्जुन तेंदुलकर का टीम से जुड़ना भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सबसे बड़ा खतरा मिशेल स्टार्क से ही हो सकता है। इस कारण अर्जुन तेंदुलकर जैसे बाएं हाथ के युवा गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करने से भारतीय बल्लेबाज मिशेल स्टार्क को आसानी से खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को भी भारतीय टीम में मौका दिया जाना चाहिए था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।